हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन द वाई वर्ल्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग चैप्टर सीख रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन। और बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग जा रहे हैं बात करने आज के लेक्चर में ह्यूमन हार्ट के बारे में। पिछले दो लेक्चर्स में हमने हार्ट के बारे में सीखा हुआ था, हार्ट ऑफ फिश कैसे वर्क करता है उसके बारे में सीखा हुआ था, हार्ट ऑफ एम्फीबिया कैसे होता है उसके बारे में सीखा हुआ था, हार्ट ऑफ रेप्टाइल कैसा होता है, क्रोकोडाइल कैसा होता है, एप्स कैसा होता है ह्यूमन। आज के लेक्चर में हम लोग इनफैक्ट दो लेक्चर लगेगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने में, तो आप जरा फोकस से पढ़िए। कितना भी बड़ा बोर्ड हो बट इस टॉपिक के लिए थोड़ा छोटा ही रहता है, तो आप फोकस कीजिए और हमको स्पेस को अच्छे से मैनेज करना होगा। जब मैं ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहला होता है उसका डेफिनेशन। मतलब अगर आपको सिंगल वर्ड में पूछा जाए कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है, तो आपको जवाब देना है कि ह्यूमन हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, किडनी इज अ फिल्टरिंग ऑर्गन, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, टेस्टिस इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टमक इज अ फूड का बैग, यूट्रस इज अ बेबी का बैग, यूरिनरी ब्लडर इज अ यूरिन का बैग। ऐसे ऐसे बायोलॉजी में एक एक वर्ड में हम लोग ओनली एट बायो वर्ल्ड सीखते हैं। इज दैट क्लियर? सो ह्यूमन हार्ट, सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन, व्हाट इज ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। इसका काम होता है ये ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करना बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हमको लाइफ जब तक प्रेशर नहीं देती तब तक हम लोग काम नहीं करते। यस सर, प्रेशर तो ये जो हार्ट होता है ये पंप करता है ताकि हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के सारे सेल बॉडी के हर एक कॉर्नर तक पहुंच सके, और जो CO2 वाला ब्लड है वो बैक टू लंग्स पहुंच सके ताकि हम बॉडी से CO2 गैस निकाल सके और ऑक्सीजनेटेड एयर ले सके और फिर उस ऑक्सीजनेटेड एयर को बॉडी के सारे कॉर्नर तक पहुंचा। वेरी गुड। और इसके लिए बहुत ही अच्छे प्रेशर की जरूरत होती है और ये ह्यूमन हार्ट इसमें बेस्ट है प्रेशर क्रिएट करने में, और इसलिए पहला पॉइंट इट इज हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। अगर मैं पूछूं कि हार्ट एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपने जब मैंने आपको ब्रीदिंग पढ़ाया था तो ब्रीदिंग में मैंने आपको दो लंग्स पढ़ाए थे, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स है वो थोड़ा सा छोटा था और वहां पे एक नॉच था, नॉच मतलब कटिंग, कार्डियक नॉच बोलते हैं उसको, नॉच मतलब कटिंग होता है, मैंने ऐसा वीडियो में सिखाया हुआ है। जो नए बच्चे हैं वो वीडियो अगर ब्रीदिंग का कंप्लीट करेंगे तो उनको वो सुनाई देगा। तो आप पहले सर्कुलेशन सीखो फिर ब्रीदिंग सीखो, तो आपको इंटरकनेक्शन उल्टा होगा बट इट्स नॉट एन इश्यू। मैं पूरी बायोलॉजी को इंटरकनेक्ट करके आपको पढ़ाऊंगा, तो आप जब भी क्लास में आओगे आपको समझेगा। ये भी को तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में, कितने लोगों को लगता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में? हार्ट एग्जैक्टली मिडल में प्रेजेंट है, इसलिए हार्ट को मीडिया स्टेनम बोलते हैं। लेकिन आपने सुना होगा लेफ्ट लेफ्ट है ना, इसका जो नीचे का जो पार्ट है, देखिए ये हाथ देखिए, इसका जो नीचे का पार्ट है वो लेफ्ट के साइड में झुका हुआ है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। यस सर, इसीलिए हमारा जो लेफ्ट लंग्स होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, और इसलिए नीट पूछता है कि लेफ्ट लंग्स में दो लोब और राइट लंग्स में तीन लोब क्यों? इसका रीजन है क्योंकि लेफ्ट लंग्स छोटा हो जाता है बिकॉज उसको जगह देनी पड़ती है हार्ट के नीचे के पार्ट के लिए। हार्ट बीच में है, सो कहां कहां पे? हार्ट के पोजीशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नंबर वन पॉइंट, हार्ट इज प्रेजेंट इन दी थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी मतलब ये डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर जो भी आएगा दुनिया उसको थोरैक्स कहेगा। डायफ्राम मतलब पार्टीशन है यहाँ पे। यस सर, यहाँ पे पार्टीशन है। यस सर, डायफ्राम के ऊपर थोरैक्स, डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन। तो हमारा जो हार्ट होता है वो थोरैक्स में पाया जाता है। डायफ्राम के ठीक ऊपर मतलब डायफ्राम के ऊपर बैठा रहता है हार्ट, ऐसा आप सपोज कर सकते हैं। यस सर, सो डायफ्राम के ऊपर मतलब थोरैसिक कैविटी में। तो पहला पॉइंट लिखेंगे पोजीशन में, हार्ट इज फाउंड इन दी थोरैसिक कैविटी, नंबर वन पॉइंट। दूसरा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी टू लंग्स, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के बीच में ये पाया जाता है, इसलिए हम इसको बिटवीन द लंग्स बोलते हैं। यस सर, नंबर थ्री पॉइंट, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द, वेरी गुड। तो ये तीनों पॉइंट हम लोग लिखते हैं, आप ही लिखो। पोजिशन इन थोरैक्सिक कैविटी,
ये थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द थोरैसिक कैविटी बिटवीन लंग्स, ये लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। आई थिंक दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर। अब हम इसके साइज के बारे में बात करते हैं। ये एक मुट्ठी की साइज का होता है। आपने बचपन में जब अगर आप सीबीएसई में पढ़े हैं तो सीबीएसई में लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, इट इज इन द साइज ऑफ फिस्ट। अभी फिस्ट होता है मुक्का, मुक्का मूवी आई थी मैंने, यस सर इज दैट क्लियर, मुक्का। तो इट इज द साइज ऑफ अ फिस्ट, ये बिल्कुल ऐसे होता है। इसका जो ब्रॉड पार्ट है वो ऊपर रहता है और इसका जो नैरो पार्ट है, आप ये मुट्ठी देख सकते हैं, इसका ब्रॉड पार्ट, ये पार्ट ब्रॉड है, ये ऊपर प्रेजेंट है और नैरो पार्ट नीचे प्रेजेंट है, और ये नैरो पार्ट टिल्टेड टुवर्ड्स दी लेफ्ट। मुझे समझ में आ गया। तो ये साइज होता है 12 सेंटीमीटर। उसका ब्रेथ और चौड़ाई भी होता है कुछ 6.5, बट अपने को वो सीखना नहीं है। हम लोग लिखते हैं इसका साइज 12 सेंटीमीटर, इट इज ऑफ द साइज ऑफ द फिस्ट। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं और हम किसका हार्ट वजनदार होता है और किसका हार्ट वजनदार नहीं होता है, हम लोग हार्ट के वेट के बारे में बात करेंगे। तो फीमेल, लेडीज फर्स्ट देन मेल लेटर। लेडीज में जो हार्ट होता है, मतलब फीमेल में, महिलाओं में 230 से लेके 280 ग्राम का होता है। मतलब कुछ महिलाएं जो छोटी हैं तो उनमें छोटा हार्ट होगा, और बड़ी हैं, टॉल हैं, स्पोर्टी हैं, जैसे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करती हैं, हाइट टॉल है, तो उनका हार्ट वजनदार हो सकता है, इज दैट क्लियर। सो कुल मिला के ये 230 से लेके 230 से लेके 280 ग्राम का रहता है। मेल में हार्ट जहां पे फीमेल में खत्म होता है वहीं से मेल शुरू होता है, मतलब 280, मतलब जहां पे हाईएस्ट वजनदार हार्ट फीमेल में खत्म होता है वहीं से मेल का मिनिमम हार्ट का वजन शुरू होता है। इससे आपको लर्निंग में इजी रहेगा, टेक बनाने में आपको इजी रहेगा। मैं इसी हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि मैं भी, मुझे भी याद रहे और आपको भी। अब हमको इनका एवरेज लेना होगा, यस सर। एवरेज लेते वक्त इधर देखिए, एवरेज लेते वक्त 230 में 20 ऐड करने का और 280 में 20 ऐड करने का, दोनों में 20 ऐड करने का, तो इसका एवरेज हो जाएगा 250 और इसका एवरेज हो जाएगा 300। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। 230 से लेके, अपना लेक्चर 2:30 बजे रोज रहता है मालूम है ना, तो 230 और 280 से खत्म 340 से, यस सर। एवरेज, ये साइन किसका है, मैथ्स में इसको एवरेज बोलते हैं, डबल ऐसा लाइन मारने का और दो डॉट मारने का, ये एवरेज का साइन बोर्ड है। ये 250 रहेगा और ये एवरेज 300 ग्राम्स रहेंगे। मुझे समझ में आ गया, यस सर, इज दैट क्लियर। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। अब हम लोग हार्ट के हार्ट की कवरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो हार्ट होता है, इट इज कवर्ड बाय अ लेयर, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं बच्चों? हार्ट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, यस सर। डबल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, यस सर। क्या बोलते हैं स्टैच्यू, क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरी वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, पेरी मतलब सराउंडिंग, कार्डियम मतलब हार्ट, सराउंडिंग द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, यस सर। सो मैं लिखता हूं यहां पे, हार्ट इज कवर्ड बाय, कवर्ड बाय मतलब चादर ओढ़ लेते हैं ना, तो कवर हो गया चेहरा ऐसा, यस सर। मास्क लगाया तो माउथ इज कवर्ड लाइक दैट। सो हार्ट इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेनियस लेयर कॉल्ड पेरिकार्डियम, यस सर। पेरिकार्डियम में दो लेयर होता है, मिश्रा सर ने बताया था बचपन में कि बायोलॉजी में कभी भी दो लेयर आया तो समझ लेना, आउटर पैराइटल, इनर इज दी, ऐसा ही लंग्स में हुआ था, लंग्स भी दो लेयर से कवर्ड था।
और ऐसा बॉडी के सारे ऑर्गन में रहेगा जब आप टेस्टिस सीखेंगे, ओवरी सीखेंगे, बाकी के ऑर्गन सीखेंगे, ब्रेन सीखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी एक ही इशारों से काम करती है। यस सर, आउटर पैराइटल इनर इज द विस्टर। तो मैं लिखता हूं, क्या लिखना है हमको, हार्ट इज कवर्ड बाय अ लेयर कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेनियस है, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम, इनर विस्टर पेरिकार्डियम। अच्छा, लंग्स में जब आउटर पैराइटल और इनर विस्टर था, उनके बीच में स्पेस था, पेरीप्लूरल कैविटी, और उस पेरीप्लूरल कैविटी में खाली जगह थी। खाली जगह कौन था, फ्लूइड था, फ्लूइड का पेरीप्लूरल फ्लूइड। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, तो मैं ना इसको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ, आप थोड़ा ड्रॉ करके समझ लो, नहीं तो आपके चेहरे के बाहर बन जाएगी। एवरीबडी इंडिया बगो इधर। सो बिगो नंबर 5, हार्ट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। वाओ, पेरिकार्डियम, पेरी मतलब सराउंडिंग, कार्डियम मतलब हार्ट, सराउंडिंग द हार्ट, पेरिकार्डियम, मुझे समझ में आया, वेरी गुड। पेरिकार्डियम में दो लेयर होते हैं, आउटर और इनर। तो ये हो गया आउटर और ये हो गया इनर, मुझे समझ में आ रहा है, बाकी के लोग समझते रहो। आउटर लेयर को बोलते हैं पैराइटल आउटर, ये डायलॉग ही है, इसको रेक्टिफाई कर लेने का। आउटर पैराइटल इनर इज द विस्टर। यस सर, बॉटनी में भी यही आएगा, जब आप यूनिट नंबर 6 सीखेंगे, 12th वालों को जब आपको पढ़ाया मैंने, तो वो एंथर के अंदर भी। यस सर, इज दैट क्लियर? तो ये बायोलॉजी में सब जगह रहता है, बॉटनी में, जूलॉजी में ऐसे वर्क करता है। फोकस है आउटर पैराइटल, पैराइटल पेरिकार्डियम, और इसको हम बोलते हैं विसरल, विसरल पेरिकार्डियम, पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम। तो मैं एक रफली डायग्राम ड्रॉ करता हूं, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक इनर लेयर है और ये एक आउटर लेयर है। यस सर, ये एक इनर लेयर है, ये एक आउटर लेयर है। तो इस इनर लेयर को हम लोग बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पीसीएम मतलब पेरिकार्डियम, और इसको हम बोलेंगे पैराइटल पीसीएम पेरिकार्डियम। कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, दो दो बार लिखने में इंक खत्म हो जाता है। सो इनके बीच में स्पेस है, कैन यू सी द स्पेस? नहीं, कैविटी है, कैविटी का नाम है पेरिकार्डियल कैविटी। कैविटी मतलब स्पेस, स्पेस मतलब खाली जगह, रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक, वॉट एवर। यस सर, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्डियल कैविटी। पेरी मतलब सराउंडिंग, कार्डियल मतलब हार्ट, कैविटी मतलब स्पेस, ऐसा स्पेस जो सराउंड करता है हार्ट को। एक बार रिपीट, पेरी मतलब सराउंडिंग, कार्डियल मतलब हार्ट, कैविटी मतलब स्पेस, ऐसा स्पेस जो पेरी करता है, पेरी मतलब सराउंडिंग करता है, सराउंडिंग करता है हार्ट को, इसको पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी खाली है? नहीं, खाली नहीं है, इसके अंदर फ्लूइड है। हाँ, इसके अंदर फ्लूइड है। यस सर, इसके अंदर फ्लूइड है। फ्लूइड का नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। जैसे वहां पे पेरीप्लूरल कैविटी था और पेरीप्लूरल फ्लूइड था, तो वैसे यहां पे पेरिकार्डियल कैविटी है और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं पेरीप्लूरल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या, ये सवाल उठता है। यस सर, तो वेरी गुड, ये मॉइस्ट रखता है, प्रोटेक्शन करके रखता है और हार्ट को फ्री मूवमेंट देता है। देखो, हार्ट के अंदर भी पानी और हार्ट के बाहर भी पानी, अंदर है ब्लड मतलब ब्लड के अंदर पानी है, और ये जो फ्लूइड है इसमें भी पानी है, मेजर कंपोनेंट। यस सर,
तो अगर अंदर और बाहर दोनों पानी है तो बॉडी क्या होती है? फ्लोट होती है। यस सर। तो ये हार्ट ना फ्लोट होता है, अंदर ब्लड है, बाहर ये अंदर हार्ट है, ये कवरिंग है ना। अगर आपने मास्क को लगाया है तो मास्क आपका माउथ को कवर कर रहा है ना, इज दैट सिंपल? यस सर। तो एक्चुअल में हार्ट अंदर है, ये कवरिंग है, एक्चुअल में आपका माउथ अंदर है, ये जो आपने मास्क पहना है वो मास्क है, कवरिंग है, एकदम सिंपल है। वेरी गुड। नाउ फोकस हियर, ये मॉइस्ट है, ये प्रोटेक्शन देता है और हार्ट फ्लोट होता है, हार्ट फ्लोट होता है और मैकेनिकल प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सपोर्ट भी देता है। यस। तो इतने सारे फंक्शंस हैं। शॉक को एब्जॉर्ब करता है, मैकेनिकल इंजरी या शॉक को एब्जॉर्ब करना, शॉक शॉक को एब्जॉर्प्शन करता है। आपको इसमें कोई डाउट है? मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं। जैसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फिर भी। बाबू क्या हुआ, देखो इधर। हार्ट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम आउटर मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन है, आपको लिखना होगा इधर, इट इज डबल, आई नो इट इज डबल मेम्ब्रेनियस, है ना, इसमें डबल मेम्ब्रेनियस है, डबल मेम्ब्रेनियस है। आउटर पराइटल, इनर विसरल, पराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में जो भी स्पेस आएगा दुनिया उस स्पेस को पेरिकार्डियल कैविटी कहेगा। कैविटी के अंदर फ्लूइड आएगा, कैविटी खाली नहीं रहेगा, ओपन क्लोज नहीं, कैविटी के अंदर पानी रहेगा, उस पानी का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया हुआ है, जब मैं बॉडी फ्लूइड का पहला लेक्चर, बॉडी के सारे लिस्ट ऑफ फ्लूइड बताए थे उसमें भी मैंने नाम बताया था। ये सर 10-10 बार हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये सर फोकस कर। तो ये गीला है, लिक्विड है, मॉइस्ट करता है, गीला करके रखता है, प्रोटेक्शन देता है हार्ट को फ्लोट होने में। हियर हार्ट को फ्लोट होने में, इसके लिए हंस रहे थे, हार्ट को फ्लोट होने में मदद करता है, सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अगर आपको किसी ने धक्का दिया झपाक, तो आपके हार्ट को कोई तकलीफ नहीं होती है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा धक्का दिया ट्रेन के सामने आ गए तो बात अलग होती है। शॉक को एब्जॉर्ब करता है, आई थिंक ये सारे फंक्शन है। ये सब अभी तक जो भी हमने सीखा हुआ है वो हार्ट के एक्सटर्नल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू, हमने ये सारे पैरामीटर्स सीखे हैं। अब हम जा रहे हैं हार्ट के अंदर जाने, बात करने, मतलब हम सीखने जा रहे हैं डायरेक्टली हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके चैम्बर्स के बारे में। आपको मुझे ये बताना है कि हिस्टोलॉजिकली हमारा हार्ट कितने लेयर से बना होता है। तो हिस्टोलॉजिकली बोलने का मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज मी, फोकस एवरीबडी, बच्चों ऑनलाइन फोकस। हिस्टोलॉजिकली का मतलब ये होता है कि आप हार्ट को कट करोगे, हार्ट की दीवार को, हार्ट के वॉल को कट करोगे तो उसमें आपको तीन लेयर दिखाई देंगे, तीन लेयर दिखाई, कितने लेयर? तीन लेयर दिखाई देंगे, कितने लेयर? तीन, आउटर मिडल इनर, रिपीट, आउटर आउटर को एपिकार्डियम, मिडल को मीसोकार्डियम और इनर को एंडो। मैं लिखता हूं फिर मैं थोड़ा एक एक लाइन एक्सप्लेन कर देता हूं। ये पॉइंट नंबर 5 के बाद जो भी आएगा वो पॉइंट नंबर 6 कहलाएगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे हिस्टोलॉजिकली, है ना, हिस्टोलॉजिकली, हिस्टोलॉजिकली हार्ट कंसिस्ट ऑफ, हिस्टोलॉजिकली हार्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स, हार्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स। यस सर, वेरी गुड। एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम, और ये मीजोकार्डियम को ही हम मायोकार्डियम बोल देंगे, मायोकार्डियम, और ये मायोकार्डियम ही बना रहता है कार्डियक मसल फाइबर से, इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। मैं ये भी लाइन लिख देता हूं, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, कार्डियक मसल से बना होता है। देन मीसोकार्डियम के बाद आता है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, और एंडोकार्डियम जो है वो स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है, ये सबसे अंदर का लेयर होता है। एपी मतलब आउटर, मीजो मतलब मिडल, एंडो मतलब अंदर।
यस सर। तो ये तीन लेयर हो गए आपको, और पेरिकार्डियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से मेंशन है। एपिकार्डियम ये सब मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त सवाल से आप एक्स पाला पड़ेगा आपका। और आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर। अब हम आगे जाते हैं हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं।